लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले ने जबरदस्त काम किया है, जिसके बाद सपा का जोश हाई होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि जनता के भाजपा को नकारा है और समाजवादी पार्टी को पर अपना विश्वास जताया है। में समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन दिया, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस देश में नफरत की राजनीति खत्म हो रही है। वही तो कह रहा हूँ, नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती थी, जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। जयंत चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब उन्हें एनडीए की बैठक में जगह नहीं मिल रही मंच पर। वो जिसके पौत्र हैं वो हमारे आदर्श है चौधरी चरण सिंह, लेकिन वो कलंक है। अलीगढ़ में पीने के पानी के लिए लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए लगातार परेशान हो रहे लोगों का नगर निगम के वार्ड 51 मोहल्ला महबूब नगर रोरावर में क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जहां पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद उम्मीद आलम के हाथ बांध कर बंधक बना लिया। काफी मान मनोवल के बाद पार्षद ने उन्हें समझाया कि उनकी पानी की समस्याओं को जल्द ही हल करा जाएगा और इसके लिए उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से बात की है। बाकी काफी जद्दोजहद के बाद लोग माने और उन्होंने पार्षद को छोड़ा है। सुबह फोन आया कि पानी नहीं आ रहा, मैं देखने आया, पब्लिक ने मुझे बांध लिया और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। 6 से 7 महीने हो गए पानी को लेकर के मैं शिकायत कर रहा हूँ। पब्लिक द्वारा कई लेटर मुझे दिए गए कि राजा भाई बाढ़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी पीने के लिए बच्चे बूंद बूंद को तड़प रहे हैं। मगर मैंने जल निगम का दरवाज़ा खटखटाते हुए यानी कितने लेटर दिए, मगर जल निगम की आंखें नहीं खुली। मैंने कहा कि मेरे बाढ़ के लोग बहुत प्यासे हैं, बहुत परेशान हैं, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पानी की जो हाइट है बहुत ऊंची है, पानी नहीं चढ़ पाता है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, आपको आपने जो सभासद को बांध रखा है, क्या वजह है? पानी नहीं आ रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, पानी की बच्चे परेशान हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, एक एक बूंद से परेशान हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। कब से नहीं आया? 2 महीने हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आया है। आज आपने क्या किया? आज इन्हें बांध के रखा है हमने, जब तक पानी नहीं आएगा इन्हें नहीं छोड़ेंगे हम बिल्कुल भी। आपने समाजत को बांध के रखा हुआ है, क्या वजह है? पानी की वजह है, पानी नहीं आएगा जब तक ऐसी बांध के रखेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बहुत परेशानी है पानी की, 3-4 महीने हो गए, रातों को हम पूरी रात जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है, इधर काम करते हैं हम लोग। 10-5 मिनट पानी आ रहा है। जाम भी लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ, जाम भी लगा रखा था हमने, कई बार जाम लगाया हमने, हमारा सुनवाई नहीं हुई कुछ। आज हमने इनको बांध के रख रखा है, अगर जब तक पानी नहीं आएगा जब तक हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे।